सबसे पहले देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में दीनदारी छोड़ देते हैं, नमाजें रोक देते हैं, दाढ़ियां थोड़ी थोड़ी आने लगी होती है तो ईद के दिन ही साफ हो जाती है, घर में टीवी बंद होता है, फिल्में बंद होती है, गाना बजाना बंद होता है, टीवी से अच्छा काम हो सकता है लेकिन टीवी का गलत काम वो शुरू कर देते हैं, ईद के दिन से ही शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहने, ये सारी जो चीजें हैं ये सब हमारे खिलाफ ही दलील है। हम ये बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला सिर्फ रमजान में हमारा रब है क्या? अल्लाह ताला साल के 12 महीने हमारा रब नहीं है क्या? हम सिर्फ रमजान ही मुसलमान हैं या हम साल भर अल्लाह के बंदे हैं? अल्लाह ताला के एहसान तो हम पर साल भर है, तो हमें साल भर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जिंदगी भर करना चाहिए। कुरान की आयत है सूरह हिज्र की, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 99, आबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत कर यहां तक का कि अल यकीन तक ना पहुंच जाए। और अल यकीन क्या है? तफसीर में आता है ये अल यकीन है, ये वो चीज है जिसका सबको यकीन है, यहां तक कि जिनके पास ईमान नहीं है उनको भी यकीन है इस चीज का, वो है मौत। तो अल्लाह की इबादत कब तक करना है? रमजान खत्म होने तक नहीं, अल्लाह की इबादत करनी है यहां तक कि मौत ना आ जाए, बस मौत तक कर लो, उसके बाद आसानी है, उसके बाद आराम है, मौत तक अल्लाह की इबादत कर लो बस। आबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये है हमारे आज के दर्स का एक बहुत बुनियादी बात जिसे हम सबको याद रखना है कि अपने आप को मेंटली ट्यून करें कि मैं सिर्फ रमजान खत्म होने तक नहीं इबादत करने वाला हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करने तैयार हूँ यहाँ तक का, तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ।